दोस्तों ड्रग्स केस में एनसीबी के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पूरी रात पूछताछ करने के बाद टीवी एक्टर और बिग बॉस 7 में आ चुके एजाज खान को एनसीबी ने फाइनली अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दें कि बिग बॉस 7 फेम एजाज खान को बीती रात राजस्थान से मुंबई लौटने के ठीक बाद एनसीबी ने हिरासत में ले लिया। अब उनकी गिरफ्तारी ड्रग्स मामले में हो चुकी है। ड्रग्स केस में एनसीबी की कार्रवाई काफी टाइम से जारी है। ड्रग्स केस में ड्रग पैडलर शादाब बजाटा की गिरफ्तारी के बाद बीती रात एक्टर एजाज खान का नाम सामने आया, जिसके बाद एनसीबी ने एजाज खान को हिरासत में ले लिया है। अब खबर है कि एजाज खान गिरफ्तार हो चुके हैं। एजाज खान को बीती रात राजस्थान से मुंबई लौटने के ठीक बाद एनसीबी ने हिरासत में ले लिया था। एनसीबी ने एजाज खान को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया था। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद एजाज खान को एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि एजाज खान को इससे पहले साल 2018 में नवी मुंबई में ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त एजाज खान के पास से करीब 1,00,000 रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद की गई थी। शादाब बटाटा पर मुंबई के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। शादाब बटाटा बड़े ड्रग पैडलर फारूक बटाटा का बेटा है। शादाब की गिरफ्तारी के दौरान करीब 2 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद हुए थे। शादाब की गिरफ्तारी के बाद ही लगातार एनसीबी छापेमारी कर रही है बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज पर। इसी पूछताछ के दौरान एजाज खान का नाम सामने आया था, जिसके बाद एनसीबी ने फाइनली एजाज खान को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया है।